भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 की समाप्ति होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बोलते हुए रायबरेली के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने जो साहसी कदम उठाया कि पार्टी के महापुरुषों का नारा कि देश में एक प्रधान एक निशान एक विधान लागू होना चाहिए, वह लागू किया गया। इस अनुच्छेद के लागू होने से लगभग 42,000 निर्दोष लोगों की हत्या हुई। इस अनुच्छेद 370 तथा 35 का पूरा फायदा पाकिस्तान को मिलता था। आगे कहा कि भाजपा का संकल्प है कि देश की हर वह समस्या को जड़ से खत्म किया जाए जो देश के भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने अंत में कहा कि इस धारा को समाप्त होने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामदेव पाल, बछरावा विधायक राम नरेश रावत, किरण सिंह, अनीता श्रीवास्तव, संतोष गुप्ता, देवेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। भारतवर्ष में 7 दशकों के बाद मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का जो काम करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को एक नया जीवन देने का काम किया है, हम सभी बधाई के पात्र हैं। आज इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई। सर, जो विरोधी पार्टी है वो कई इस पे कई सवाल भी उठा रहे हैं। आपने संसद में देखा होगा कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनके सांसदों ने भी बड़े पैमाने पे इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाले हैं। राज्यसभा में 2/3 से अधिक सांसदों ने ये 370 हटाने के पक्ष में वोट डाला और लोकसभा में 370 सांसदों ने धारा 370 हटाने के पक्ष में वोट डाला। मुश्किल से 66 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाला था। कुछ लोगों ने शायद जो इतने साल जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बने रहे वही दल थे जो आज भी विरोध कर रहे हैं।